अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूँ इसरार अहमद कसान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम्स के हवाले से जो हमारा एक सिलसिला है, आज तीन चार टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान नहीं होंगे, आप हमारे मेहमान होंगे, और आज मैं कोशिश भी करूँगा कि आपकी कॉल्स ज़्यादा से ज़्यादा ली जा सकें और आपकी ई मेल्स जो हैं वो हम प्रोग्राम में ज़्यादा शामिल कर सकें और इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें कि अगर कभी हमारे पास मेहमान ना हो तो आपकी जो इनपुट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाया जा सके। लेकिन हम फिर भी दो तीन चीज़ें डिस्कस ज़रूर करेंगे कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अमरीका ने पाकिस्तान को कहा है कि सदर मुशर्रफ साल के आखिर तक एक ओहदा छोड़ दें। अब ये उन्होंने क्यों कहा है, और दूसरी तरफ उनके ही स्टेट डिपार्टमेंट के जो टॉम केसी हैं स्पोक्समैन, उन्होंने कहा है कि हम फुली तरह सपोर्ट करते हैं, मुकम्मल तौर पर हमारी जो हमायत है वो सदर पाकिस्तान के साथ मौजूद है। इसके अलावा इराक़ की तरफ से इनकार हुआ है उस प्रपोज़ल के बारे में कि जिसमें कहा गया था कि हम एक पीस कीपिंग फोर्स मुसलमान मालिक की तरफ से बना के वहाँ पर भेजना चाहते हैं। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने ये आइडिया लॉन्च किया था और उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, इसका भी हम तजिया करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अमेरिका में क्लिंटन फाउंडेशन जो है न्यूयॉर्क बेस्ड, उसने कराची समेत 16 शहरों में ग्रीन टेक्नोलॉजी देने का ऐलान किया है मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के लिए, और माहौलियात का जो सिलसिला है उसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने एक ये इनिशिएटिव लिया है। इसका भी हम तजिया करने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे लिए भी और बाकी जो बड़े बड़े मेगा सिटीज़ हैं उनके लिए। लेकिन ये सब कुछ होगा खबरों के बाद, और ख़बरों में देखते हैं कि ताज़ा तरीन खबरें क्या हैं, और ख़बरों में मेरा साथ दे रही हैं समाज से महरूम अफराद के लिए जनाब नसरीन आगाई साहिबा, उनसे हम ताउन लेंगे और देखते हैं ख़बरों में इस वक्त क्या सबसे अहम तरीन खबरें हैं। पहली खबर, वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ ने कहा है कि हुकूमत आइन के मुताबिक आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात कराने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करेगी। वो इस्लामाबाद में नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट के वफद के अरकान से बातचीत कर रहे थे। वफ्त इंतखाबात से पहले की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर है। जनाब शौकत अज़ीज़ ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत फ़रोग पा रही है और तमाम जमहूरी इदारे मजबूत हो रहे हैं। अफगान नेशनल आर्मी ने आज सुबह सवेरे पाकिस्तान के इलाके में गवी पोस्ट पर मार्टर और छोटे हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी फोर्सेज ने मुसर जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग का तबादला सुबह 5 बजे तक जारी रहा। हम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरक्रीक के मसले पर दो रोजा मुजाकरात आज से रावलपिंडी में शुरू हो रहे हैं। मुजाकरात में भारतीय वफद की क्यादत मेजर जनरल एम गोपाल राव करेंगे। पाकिस्तानी वफद की क्यादत वजारत दिफा के एडिशनल सेक्रेटरी रियर एडमिरल तनवीर फैज करेंगे। बातचीत में हाल ही में दोनों मुल्कों की जानिब से किए गए मुश्तरका सर्वे की रोशनी में सरक्रीक का मसले का हल जायजा लेने की कोशिश की जाएगी। अदालत उज़्मा की फुल कोर्ट में जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की आईनी दरख्वास्त की समाअत आज भी जारी रहेगी। रेफरेंस भेजने वाली अथॉरिटी के सीनियर वकील सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा ने अपने दलायल मुकम्मल कर लिए हैं, जिसमें जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की आईनी दरख्वास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील और उसकी कार्रवाई के बारे में आईनी और कानूनी नुकात उठाए गए हैं। आलमी इक्तिसादी फोरम का 3 रोज़ा इजलास कल से उर्दन के दारुलहकूमत अमान में शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए आज रवाना हो रहे हैं। गजा में हरीफ ग्रुपों के दरमियान सीज फायर के बावजूद लड़ाई में मजीद 20 अफराद हलाक हो गए हैं। गजा में सदर महमूद अब्बास और हमास के वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया के दरमियान चौथी मरतबा सीज फायर के बावजूद शहर के साहली इलाके में फायरिंग के वाकयात में 5 अफराद हलाक हो गए। नामालूम मुसल्ला अफराद ने गजा में वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया के घर पर हमला भी किया। इससे पहले 3 मरतबा सीज फायर की कोशिश नाकाम हो गई और लड़ाई जारी रही। 4 रोज़ा लड़ाई में तकरीबन 40 अफराद हलाक और 100 के करीब अफराद जख्मी हो चुके हैं। इराक के दारुलहुकूमत बगदाद के शुमाल में अमरीकी एयरबेस पर इराकी जंगजुओं के मॉर्टर हमले में एक फौजी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, जबकि 9 को नुकसान पहुंचा। हमले में 4 अमरीकी फौजी जख्मी भी हुए। यह हमला इतवार को हुआ, ताहम फौजी कमांड ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज का पहला मैच कल अबूधाबी में खेला जाएगा। दूसरा मैच इतवार और तीसरा मैच मंगल को खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के दरमियान 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा।
इंग्लैंड के ऑलराउंडर एंड्रयूज फ्लिंटॉफ के जख्मी होने की वजह से पहले टेस्ट में उनकी शिरकत मशकूक हो गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, जबकि कश्मीर, बालाई पंजाब और बालाई सरहद में चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। ये थी खबरें नाज़रीन, और ख़बरों के बाद अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और हमारा जो सिलसिला है ख़बरों के बाद का वो है अल्लामा इकबाल, और अल्लामा इकबाल के चंद अशआर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अल्लामा फरमाते हैं कि आदम का ज़मीर उसकी हकीकत पे है शाहिद, मुश्किल नहीं ऐ सालिक रह इल्म फ़कीरी, फौलाद कहाँ रहता है शमशीर के लायक, पैदा हो अगर उसकी तबीयत में हुरेरी, खुददार न हो फ़क्र तो है कहरे इलाही, हो साहिब गैरत तो है तमहीद अमीरी, अफरंग ज़खुद बेखबरत कर वगरना, ए बंदा मोमिन तू बशीरी तू नज़ीरी। ये अल्लामा इकबाल के अशार नाज़रीन, देखिए क्या खूबसूरत उनका एक स्टाइल है। फौलाद कहाँ रहता है शमशीर के लायक, पैदा हो अगर उसकी तबीयत में हरीरी, यानी अगर वो नरम हो तो उसमें वो बात नहीं रहती जो शमशीर के लिए ज़रूरी होती है। इसमें बहुत खूबसूत अंदाज़ है अल्लामा का, और वो अब देखें कि किस तरह सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट की जो बात करते हैं कि आदमी जब तक सर्वाइव तभी करेगा जब वो फिटेस्ट होगा, और फिटेस्ट होने के लिए ख़ास तौर पे इस दुनिया में आपको हर तरीके से, हर लिहाज से, दुनियावी लिहाज से आपको आगे बढ़ना है, दिफाई लिहाज से भी, हर तरीके से भी उसको करना है। खुददार ना हो फ़क्र तो है कहर इलाही, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर फ़क्र खुददार ना हो, और हम अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ खुददारी ज़रा थोड़ी सी ज़रा कम होती जा रही है, तो है कहर इलाही, ये अल्लाह ताला का कहर होता है। हो साहिब गैरत, अगर उसमें गैरत हो तो है तमहीद अमीरी। आप अंदाज़ा लगाइए क्या खूबसूरत अंदाज़ है। ये अल्लामा इकबाल के चंद अशआर नाज़रीन, और इसमें आपकी जो इनपुट है उसके भी मुझे ज़रूरत होती है। आप हमें इस बारे में भी, अल्लामा इकबाल के हवाले से भी कुछ तजावीज़ अगर आप देना चाहें। मैं यहाँ पे इकबाल का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये होती है कि हम ये मैसेज जो है वो किसी तरीके से आगे तक पहुँचा सकें, और अल्लामा का जो एक फ़लसफ़ा है उसमें से अगर हम थोड़ा बहुत भी हासिल कर सकें तो मेरा ख्याल है कि हमारी कौम के लिए एक बहुत बड़ी बात हो सकेगी। ये अल्लामा इकबाल के अल्फाज और उनका मैसेज, लेकिन चंद साथ साथ ईमेल्स और खतूत जो हैं वो भी आज शामिल प्रोग्राम करते हैं, और साथ साथ हम अपने टॉपिक्स को भी डिस्कस करते चले जाएँगे। एक ख़त है, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद इकबाल मिर्ज़ा साहब ने लिखा है। मोहतरम इसरार कसाना साहब, अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ प्लस एक बेहतरीन प्रोग्राम है जो आवाम की अवेयरनेस के लिए नहायत ही फ़ायदेमंद है। उम्मीद है आप शहर वालों के साथ गांव वालों का भी ख्याल रखते होंगे। क्यों नहीं जनाब, हम खुद चूँकि गाँव वाले हैं इसलिए हम गाँव वालों का ज़रा ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जिनकी पॉपुलेशन 70% है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सवाल ये है कि पेंशनर के बारे में टॉपिक रखें आप, रख लेंगे, और हुकूमत को प्रोग्राम के ज़रिए इतला हो जाए कि पुराने पेंशनर्स की भी नए पेंशनर्स के बराबर पेंशन होनी चाहिए, वगरना महंगाई का बोझ बर्दाश्त से बाहर है। ये बिल्कुल सही कह रही हैं, पेंशनर्स जो हैं वो पुराने जो हैं उनकी भी नए पेंशनर्स के मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि हालात दोनों को एक ही जैसे फेस करने पड़ रहे हैं। तो इस लिहाज से महंगाई का जो सिलसिला है उसको अगर कंट्रोल करना है तो हमें इवन हैंडेड होना चाहिए। यहाँ पे ये सिलसिला चलता रहेगा। आप हमारे जो कॉलर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉल्स करके इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, और आपकी जो शिकायत का सिलसिला है उसका आज हम इजाला करने की कोशिश करेंगे। हमारा आज एक ही नंबर होगा, और वो होगा 9222925, और आप 051 कोड लगाएंगे इस्लामाबाद का, और फिर आप कॉल करेंगे। अगर बाहर से आप कर रहे हैं तो 9251922925 ये हमारा नंबर होगा। इस पर आप हमें कॉल्स करें और बताएं कि इस प्रोग्राम के हवाले से और मुख्तलिफ जो दीगर इश्यूज़ हैं उनके हवाले से आपकी क्या राय है। हम फ़िलहाल जो हमने पहला टॉपिक डिस्कस करना था उसकी तरफ बढ़ते हैं, और चलते हैं वाशिंगटन डीसी और बात करते हैं अनवर इकबाल साहब के साथ, जो कि रेनाउंड जर्नलिस्ट हैं बेस्ड इन वाशिंगटन डीसी। अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अनवर साहब, एक स्टेटमेंट आई है रिचर्ड बाउचर साहब की, इंटरव्यू दिया है उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो को, और उसमें उन्होंने कहा है कि सदर मुशर्रफ जो हैं वो इस साल के आखिर तक एक ओहदा छोड़ दें।
एक तरफ ये बयान है, दूसरी तरफ टॉम केसी साहब जो हैं स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन, उन्होंने कल कहा कि हम फुल सपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ को और हमारा उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर से जो स्पेशल ऑनवॉय हैं न्यूमैन साहब, रोनल्ड न्यूमैन, वो आए हुए थे, उन्होंने भी कुछ और बातें कहीं। ये क्या कोई तजाद है अमेरिकन पॉलिसी में इस वक्त टूवर्ड्स पाकिस्तान? हाँ, इसमें मैं खुद बड़ा हैरान हुआ था क्योंकि सारे प्रोसेस में मैं जरा इन्वॉल्व था, मुझे पता था कि इंटरव्यू होने वाला है और इंटरव्यू के जो सवालात बन रहे थे उसका भी मुझे इल्म था, और उससे पहले जो फॉरेन ऑफिस वो स्टेट डिपार्टमेंट में जो ब्रीफिंग हुई उसमें टॉम केसी साहब ने कहा था कि हमारी जो असेसमेंट है मुशर्रफ, यानी सदर मुशर्रफ की हमारी नज़र में जो अहमियत है ना उनकी अहमियत कम हुई है ना उनके पाकिस्तानी रोल जो है पाकिस्तानी सोसाइटी में जो उनका किरदार है उस सिलसिले में हम उनकी अहमियत हमारी नज़र में कम हुई है। तो और फिर उन्होंने वजाहत भी की थी कि वो समझते हैं कि हम सदर मुशर्रफ की ज़रूरत है, उनको पाकिस्तान में जो जो इंतहा पसंद अनासर उसकी रोकथाम के लिए तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ाई के लिए। उसके बाद जैसा कि इस्लामाबाद में उन्होंने न्यूमैन साहब ने कहा जो उनके साबिक सफीर रह चुके हैं काबुल में और आजकल एक एनवाय के तौर पे दौरा कर रहे हैं सेंट्रल एशिया का और पाकिस्तान भी इसी सिलसिले में आए थे अफगानिस्तान पे सपोर्ट लेने, उन्होंने कहा था कि हम नहीं समझते कि सदर मुशर्रफ की अहमियत कम हो गई है या सदर मुशर्रफ की जो है ना वो उनको कोई खतरा है इस वक्त ऐसा कि इसकी वजह से उनकी हुकूमत का खात्मा हो जाए। उसके बाद जब इन्होंने ये बात की, असल में उनसे उसका बैकग्राउंड ये था कि उनसे सवाल ये किया गया रिचर्ड बाउचर से कि क्या आप ये समझते हैं कि उनसे ये कहे कि सॉरी उन्होंने कहा कि आज इस्लामाबाद में जो बरतानवी सफीर हैं, हेलो जी जी बरतानवी हाई कमिश्नर की बात कर रहे हैं हम, हाँ उन्होंने कहा था कि सदर मुशर्रफ एक ओहदा रखें, दोनों ओहदे ना रखें, फौज का रखें या को रखें। तो उसके जवाब में इन्होंने कहा रिचर्ड बाउचर ने कि सदर मुशर्रफ ने खुद वादा कर रखा है कि वो इस साल के आखिर तक एक ओहदा छोड़ देंगे, तो हम चाहते हैं कि वो अपने और हम समझते हैं कि वो अपने वादा को पूरा करेंगे। ठीक, अच्छा ये जो तजाद की बात है ये वाकईतन प्रैक्टिकल लेवल पे भी है, पॉलिसी लेवल पे भी है, या ये सिर्फ चंद स्टेटमेंट्स के अंदर ही हमें ये नजर आ रहा है कि एक तरफ कुछ लोग कुछ कह रहे हैं दूसरी तरफ कुछ कह रहे हैं? मसलन न्यूमैन साहब ने एक दफा फिर कहा है कि पाकिस्तान शुड डू मोर, ये जो एक डू मोर वाली पॉलिसी है उस पर फिर मजीद बात हो रही है, और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब के बारे में कि ही हैज़ नॉट रीच्ड हिज फुल कैपेसिटी। अब ये भी आप अंदाजा लगाइए कि वो साफ साफ ये भी कह रहे हैं। असल में यहाँ कंफ्यूजन है वॉशिंगटन में, आप इस वक्त देखें उनको यहाँ के जो पॉलिसी मेकर हैं या अहल इख्तदार हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो किस करबट बैठेंगे और जो मौजूदा हुकूमत है उसको किस हद तक इन हालात से खतरा लाहक है। तो एक तरफ तो बुश इंतजामिया की ख्वाहिश है कि वो सदर मुशर्रफ को जिस तरह सपोर्ट करते रहें, दूसरी तरफ उन्हें ये भी खौफ है कि अगर कोई हालात ज्यादा खराब हो गए और नई हुकूमत आई तो ये भी नहीं चाहेंगे कि वो अपने आप को उस हुकूमत के मुखालिफ में पाए। तो वो इस वक्त फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में क्या वाज़ह पॉलिसी इख्तियार करें। और ये जैसे मैंने पहले कहा कि क्या ये हर लेवल पे मौजूद है तजाद या सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक ही है? मेरे ख्याल इंतजामिया में इस वक्त पूरी इंतजामिया में तजाद है, तजाद है। अच्छा एक स्टेटमेंट की बात नहीं है, वो कंफ्यूजन बिल्कुल नजर आता है, कंफ्यूजन है। अच्छा साथ साथ रिचर्ड बाउचर साहब जो है उन्होंने सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कल हम लोग खाना खा रहे थे लंच कर रहे थे, साबिक सफीर हैं अमेरिका के मोंजो साहब जो इस्लामाबाद में रहते हैं, जॉन मोंजो साहब, हाँ, तो उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि इस वक्त बहुत मुश्किल का शिकार है बुश इंतजामिया कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान के बारे में उसकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि कन्फ्यूजन इज देयर। अच्छा एक साथ साथ रिचर्ड बाउचर साहब ने एक बड़ा वाज़ह तौर पे इशारा दिया जब वो एग्जाइल लीडर्स के हवाले से बात हुई, उन्होंने कहा कि खास तौर पे कि एनलाइटेंड फोर्सेस जो हैं वो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में उनकी सपोर्ट की जाएगी और हुकूमत भी उनकी सपोर्ट की जाएगी, बेनज़ीर साहब की तरफ वाज़ह इशारा है ये? हाँ मतलब ये तो कम अज कम पीपल्स पार्टी के हल्के तो ये कह रहे हैं कि अप्रैल में जब रिचर्ड बाउचर साहब हमारे खत्ते में गए थे तो दुबई में उन्होंने बेनज़ीर साहिबा से भी मुलाकात की थी और वाशिंगटन में हुकूमत में कुछ कम अज कम कुछ हल्के ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अगर जमहूरियत को लाना है तो उसमें बेनज़ीर साहिबा का एक किरदार है, और खुद बेनज़ीर साहिबा ने भी अपने इंटरव्यू में इस बात
की तस्दीक की है कि वो जो है उनके मुज़ाकरात हुए हैं मुशर्रफ हुकूमत से, और जो भी अरेंजमेंट होगा उसके तो उन्होंने इशारा ये किया कि उस सब के अमरीका भी चाहता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत आ जाए। तो इसमें जो मुलाकातें वहाँ पे होती रहीं, और आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, खासी देर से बेनज़ीर साहिबा स्टेट डिपार्टमेंट के और अमेरिका के चक्कर लगाती रही हैं, तो आपकी जिन लोगों से मुलाकात होती है या होती रही है उसकी रोशनी में क्या आप कह सकते हैं कि अमेरिका बाकायदा तौर पे एंगेज्ड है इस पूरे मामले में? ये ज़रा कहना मुश्किल होगा, इसलिए कि अभी तक जो उनकी यहाँ उनके जो दौरे रहे बेनज़ीर साहिबा के, उसमें उनकी उस तरह से पजीराई नहीं हुई जिस तरह से कि एक ऐसे लीडर की होती जिसके बारे में इनका वाशिंगटन का ख्याल हो कि ये इख्तदार में आने वाले हैं या आने वाली हैं। मगर ये सारी बात जो 9 मार्च के बाद जो मुल्क में हंगामे शुरू हुए हैं उससे पहले की है, उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें मैं समझता हूँ कि अब अगर बेनज़ीर साहिबा वाशिंगटन आएंगी तो उनको ज्यादा अहमियत दी जाएगी, ज्यादा अहमियत दी जाएगी ये पोस्ट 9 मार्च जो है सिनेरियो उसमें। अच्छा अच्छा, एक साथ साथ ये जरा मुझे बताइएगा कि रिचर्ड बाउचर साहब के अलावा जो ये जो रोनल्ड न्यूमैन साहब हैं, ये स्पेशल ऑनवाय बना के यहाँ पे भेजेंगे, इसकी कोई खास वजह नजर आती है आपको? अफगानिस्तान देखे ना, सदर बुश की हुकूमत खत्म हो रही है, उनका दूसरा दौर भी खत्म हो रहा है, कोई तो कामयाबी की कहानी साथ लेके जाए, यानी इराक में नाकामी हुई, अफगानिस्तान में यहाँ भी अब लोग लिखने लगे हैं कि बज़ाहिर हम वहाँ सही नजर आते हैं लेकिन जब भी हमारी फौजें हटी तो हमारी जो हमायत करदा हुकूमत है वो क्लैप्स कर जाएगी, तो वो चाहते हैं कि कम से कम ये कह सकें कि अफगानिस्तान ने उन्हें कैसा बंदोबस्त कर दिया है कि जो उनके बाद भी कंटिन्यू करेगा। तो विशफुल थिंकिंग जो है वो आपको पूरी होती हुई नजर आती है, ये इस तरह की कोई सक्सेस स्टोरी जो है बुश साहब की किस्मत में लिखी हुई हो? पर में बात ये है कि बुश साहब ने जो सबसे बड़ी मिस्टेक वो थी इराक पे हमला, अगर वो ना करते तो कुछ ना कुछ सक्सेस तो उनको जरूर, बल्कि बड़ी कामयाबी मिल सकती थी अगर वो सिर्फ अफगानिस्तान पे फोकस रखते तो। अगर सिर्फ अफगानिस्तान पे फोकस रखते तो इवन मुस्लिम मुल्कों में अगर आप देखें, पाकिस्तान में भी उस वक्त कोई बहुत बड़ा जलसा जुलूस नहीं हुआ अमरीका के अफगानिस्तान पे हमले के खिलाफ, क्योंकि जनरल फीलिंग थी कि वो एक सुपर पावर के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है जो 9/11 को हुई, वो कुछ ना कुछ तो करेगा और कुछ ना कुछ करने का हक भी बनता है। मगर वो जो मॉरल जस्टिफिकेशन थी अमेरिका की वो इराक के हमले के बाद खत्म हो गई, तो उसकी वजह से अब कामयाबी बहुत मुश्किल है। एक और चीज जरा जाते जाते मुझे बताइएगा अनवर साहब, अगरचे वो इसमें हम इसके साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं करती है, पॉल वुल्फोविट साहब जो है वो खास क्राइसिस में से गुजर रहे थे, क्या इनसाइड रिपोर्ट्स क्या हैं, विल ही स्टेप डाउन और विल ही सरवाइव? अब लगता है कि वो भी बचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब वो जो लेटेस्ट खबर है इस वक्त की आज शाम की वो ये कि अब वो खुद भी अपनी रिजिग्नेशन की शरायत तय कर रहे हैं कि भाई इस्तीफा मैं दे दूंगा, किन शर्तों पर दूंगा, और बुश इंतजामिया ने भी कल सुबह तक तो वो कह रहे थे कि नहीं, जो कुछ भी उनके खिलाफ जो तहकीकती कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़े, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बुश इंतजामिया ने भी ये कहा कि भाई जरूरी तो नहीं है कि अभी फौरन इस्तीफा दें, बाद में भी तमाम बातों पर गौर हो सकता है, उसमें उनके इस्तीफा की भी बात हो सकती है, और आज शाम को तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी इस बात पर मुज़ाकरा शुरू कर दिए कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो किन शरायत पे देंगे और किस तरह उनके लिए बाइज्जत वापसी का रास्ता निकाला जाए। तो किसी को फेवर्स देना कितना महंगा पड़ सकता है, ये सबक है इसमें हमें भी। हाँ, ये भी सबक है कि वर्ल्ड बैंक के सदर को इश्क नहीं करना चाहिए। चलें, अल्लाह ताला खैर करे। अनवर साहब, आपसे इंशाल्लाह राबता रहेगा, और इसी लाइटर टोन पे और इसी लाइटर नोट पे हम इसको बात बंद करते हैं, इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे वाशिंगटन डीसी से, बात कर रहे थे मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, खासतौर पर उस स्टेटमेंट के हवाले से कि जो नाज़रीन हमने आपको बताया कि रिचर्ड बाउचर साहब ने दी है रिसेंटली, और कल उन्होंने ये कहा था कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो हैं वो अपने 2 ओहदों में से एक ओहदा हमें तवक्को है कि इस साल के आखिर तक छोड़ देंगे। अब इसमें उन्होंने ये क्यों कहा इसका भी हमने तजिया करने की कोशिश की, और 2-3 चीज़ों को हमने साथ क्लब करने की कोशिश की, और देखा कि एक कन्फ्यूजन सा है, एक तजाद सा है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त, और ख़ास तौर पर पोस्ट 9 मार्च 9 जो एक सिनेरियो है उसके बाद ये कन्फ्यूजन जो है वो कन्फाउंड हुआ है और बढ़ा है, और इसकी वजह देखते हैं कि क्या है। वो हमने कोशिश की कि अनवर इकबाल साहब से पूछा जाए, अनवर साहब ने बताया कि एक हर जगह पे जॉन मोंजो साहब को उन्होंने कोट किया जो सबक एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा कि ये कन्फ्यूजन है।
देखते हैं कॉलर्स हमारे साथ शुरू हो चुके हैं। पहले कॉलर कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मैं ये अर्ज करना चाहता था जी, बाल बोल रहा हूँ नौशेरा बदरशी से। जी नौशेरा से फरमाइएगा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चल सकती। अच्छा, इसलिए कि बेनजीर साहिबा ये दावा करती है कि मैं ताहयात पार्टी की चेयरपर्सन रहूंगी और नवाज शरीफ अपने आप को अमीरुल मोमिनीन बनाना चाहता है। जनाबे वाला जनरल मुशर्रफ से बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, वो वफात की अलामत है। इससे पहले सियासी पार्टियों का किरदार आपने देखा होगा, बेनजीर जब वजीर आजम थी और नवाज शरीफ पंजाब का वजीर आला था, तो बेनजीर साहिबा जब लाहौर के दौरे पर गई तो नवाज शरीफ जंगा मांगा चला गया। तो मैं कहता हूँ कि नवाज ये सदर जनरल मुशर्रफ जिंदाबाद, जनरल मुशर्रफ के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। पाकिस्तान के लिए जनरल मुशर्रफ से बगैर अच्छा आदमी कोई भी नहीं है। ये सियासी पार्टियां जो है, ये आपने इनके किरदार को आपने देखा होगा, अमेरिका को भी चाहिए कि वो इसमें हाथ न डाले। जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान का सदर रहना चाहिए। चलें, थैंक यू वेरी मच। आपने नौशेरा से एक जज्बाती सपोर्ट दी है प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब को, और आपका हक है कि आप जिसको भी सपोर्ट करना चाहें सपोर्ट करें। और प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब का एक अपना हलका मौजूद है और ख़ासी तादाद है लोगों की जो समझती है कि उनका जो एक एजेंडा है वो ठीक है। और उसकी वजह भी जो आपने खुद बयान की कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्योंकि उन्होंने पहले डिलीवर नहीं किया हुआ और लोग मायूस हैं उनकी कारकर्दगी से, तो इसलिए वो समझते हैं कि उनको दोबारा लाना जो है वो शायद मुनासिब नहीं होगा। हम दोबारा अब चलते हैं अमेरिका, और मैंने जैसे पहले कहा था कि क्लिंटन फाउंडेशन ने ऐलान किया है कि वो कराची समेत 16 शहरों को ग्रीन टेक्नोलॉजी देंगे, और उसकी क्या तफसीलात हैं, इसलिए हम चलेंगे न्यूयॉर्क और देखते हैं। वहाँ पे हमारा रابطہ हुआ है मसूद हैदर साहब के साथ, जो कि अगेन रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं बेस्ड इन न्यूयॉर्क, और उनसे पूछते हैं कि इसमें क्या तफसीलात हैं। मसूद हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह मसूद साहब, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, और आधी रात तो आपको जगाने की माजरत। सबसे बड़ी बात जो आज हमें पता चली कि ग्रीन टेक्नोलॉजी देने का ऐलान किया है क्लिंटन फाउंडेशन ने 16 शहरों को, बड़े बड़े जो मेगा सिटीज़ हैं दुनिया के इंक्लूडिंग कराची, तो हमारे जो मेयर साहब हैं कराची के वो भी वहाँ पर गए हुए थे, तो क्या इसमें तफसीलात हैं, इसका क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट तो बेसिकली अब जब से वो फिल्म बनी है ना इनकन्वीनियंट ट्रूथ, अल गोर साहब, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो अभी यूनाइटेड नेशन में खत्म हुई है जी, जो कि ये सब चीजें मिलके एक जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं पूरी दुनिया में, दूसरे मुल्क क्लिंटन फाउंडेशन ने ये जो प्रोग्राम के तहत ये एक ये इन मुल्कों इन शहरों में जो बड़े बड़े शहर हैं उसके अंदर वो जो है ये जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है या उसको ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली चीज होगी। अच्छा, एनवायरमेंटली फ्रेंडली का मतलब ये हुआ कि वो जो बिल्डिंग है उसको अपग्रेड करेंगे ताकि वो जो है उसके अंदर एमिशन जो होते हैं कार्बन, उसका जो वो हीटिंग सिस्टम और कूलिंग सिस्टम और इस तरह की जो चीजें उनको बेहतर बनाने की बात। जी जी बिल्कुल, हीटिंग सिस्टम कूलिंग सिस्टम उनको बेहतर बनाने की बात, उनके उनको अपग्रेड करना। अभी मैं आज मैंने देखा है दो बिल्डिंगे कम से कम न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने हरी पेंट कर दी। अच्छा, बिकॉज उसका मतलब ये हुआ कि वो दे आर नाउ एलिजिबल फॉर स्पेशल फंडिंग और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, ये भी ये बताएंगे जी। अच्छा, और आपने हाँ एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाई जाएंगी उनको नया ये हीटिंग सिस्टम कूलिंग सिस्टम एयर कंडीशनिंग सिस्टम, और दूसरा वो आपने जो अगर पढ़ा हो तो उसके अंदर है और बहुत सी चीजें अपग्रेड की जाएंगी, उनका जो है जो है अपग्रेड किया जाएगा ताकि इट कैन सेव वो जो है क्या कहते हैं हीट एंड और अलाउ लेस हीटिंग टू गो आउट और कूलिंग टू गो आउट, जैसा भी तो सिक्योर उसमें बनाई जाएंगी। आपको शायद मालूम हो, खैर नाज़रीन के लिए मैं बता देता हूँ कि सिटी बैंक, डॉयशे बैंक, जेपी मॉर्गन चेस, यूबीएस, एबीएन अमरो, इन्होंने कमिट किया है एक $1 बिलियन तक जी ये जो है ये फाइनेंसिंग करेंगे इन सब स्कीमों। तो इसमें कोई बड़ा बैंक वगैरह या बड़ी कोई इस तरह के इदारे जो हैं वो शामिल नहीं है? बड़ा बैंक तो है ना शामिल, सिटी बैंक नहीं, मतलब वर्ल्ड बैंक वगैरह तो नहीं है इसमें? नहीं, वर्ल्ड बैंक वगैरह नहीं है, वो नहीं है। ये तो इन्होंने प्राइवेट, क्योंकि ये
एफर्ट तो प्राइवेट बैंक्स हैं। इवेंचुअली क्या ये देखा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक या एशिया डेवलपमेंट बैंक इन्वॉल्व होंगे? हाँ बिल्कुल हो सकता है, डाउन द रोड वो हो जाएंगे आखिर में, बिल्कुल, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है इट्स ऑफ बन चुका है सेंटर पीस फॉर ऑल द कंट्रीज। उसकी रीजन ये है कि जी अब आप इस एनर्जी सेविंग के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि तेल दुनिया में कम होता चला जा रहा है और जो है वो आप अपनी डिपेंडेंस जो है तेल पे कम करें, अपनी डिपेंडेंस तेल के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उन पे कम करें। तो ये मैसेज उन्होंने सिर्फ हमें दिया है या खुद अमेरिका में भी ये मैसेज दिया गया है? असल में तो अमेरिका में ही मैसेज दिया गया है, हमारी तो हमारे थर्ड वर्ल्ड, क्योंकि जो वहाँ पे जो गैस गजलिंग जो आपको पता है SUVs हैं और वहाँ पे जिस तरीके से एनर्जी का इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, जरूरत तो अमेरिका को है कि वो अपना जरा हालात दुरुस्त करे। नहीं वो तो खैर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और वो उसके हिसाब से तो आप देख रहे हैं ना, सबसे बड़ी जो शहर की दुनिया की सिटीज है न्यूयॉर्क शिकागो ह्यूस्टन, इनको अमेरिका से, फिर मेक्सिको सिटी लंदन बर्लिन टोक्यो रोम ये सिटी जो है, और इनमें न्यू दिल्ली भी शामिल है, न्यू दिल्ली हिंदुस्तान जो है वो भी है शामिल और पाकिस्तान तक जो भी बड़ी सिटी है ना खासतौर से बड़ी बड़ी जो शहर है उनमें से जो है कराची को लिया गया है क्योंकि कराची में 15 मिलियन पीपल है, लगभग 15 मिलियन तादाद है और बैंकॉक तब भी है, सोल साउथ कोरिया भी है। तो इसमें टेक्नोलॉजी कोई इस तरह की इंट्रोड्यूस कराई जाएगी मसूद साहब की जो बाकायदा तौर पर जिसका इम्पैक्ट हम वाज़े तौर पर महसूस कर सकें, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं महसूस वो नहीं आएगी तो इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा जितना कि वो चाह रहे होंगे शायद? नहीं मेरे ख्याल है कि बेसिकली उसका मेजर होगा ना कि जी आप लास्ट बिफोर आपने ये टेक्नोलॉजी अपनी बिल्डिंग या अपने जो भी प्रोजेक्ट में लगाई उससे पहले आप क्या खर्च करते थे तेल पे, उससे पहले आप क्या खर्च करते थे बिजली अक्वायर करने, उससे पहले आप क्या खर्च करते थे गैस पे, वो उसका वाजे जो है प्रूफ ये होगा कि जी अब आपके अब आप कम खर्च करते हैं सब चीज़ों पे, हालांकि आप उतनी ही ठंड और उतनी ही गर्मी जो है जो आप चाहते हैं अपनी बिल्डिंग के अंदर वो होगी। ठीक है, और अच्छा इसमें न्यूयॉर्क में ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि काम शुरू हो चुका है? ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, मैंने तो एक बिल्डिंग देखी है, नाम मुझे पता नहीं, मगर 34th Street के ऊपर है पार्क एवेन्यू पे, ये ईस्ट साइड जो है हमारी मैनहट्टन की, जी और उसके ऊपर कल उस पे वो कर रहे थे हरा रंग, दैट विल बी द आइडेंटिफाइंग मतलब उसका जो होगा, तो पूरे मैनहट्टन में पता चल जाएगा कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स जो हैं वो टारगेट की जा रही है। वही और मेरा ख्याल है कि वही बिल्डिंग है जैसे कि उन्होंने चूज कर ली कि जी ये जो है हबीब बैंक की बिल्डिंग, मैं कराची में जैसे, तो वो कहेंगे जैसे जी इसको ग्रीन पेंट करेंगे, दे आर नाउ एलिजिबल फुल फंडिंग, रिसीव ऑल द मनी, हाँ ये जो पैसे वैसे जो है सब उनको, और इसका बुनियादी तौर पे जो क्रेडिट आप दे रहे हैं वो एल गोर साहब को दे रहे हैं? नहीं मैं क्रेडिट तो क्लिंटन फाउंडेशन का है कि उन्होंने सारा करवाया, नहीं लेकिन अवेयरनेस तो जाहिर है कि वो उन्होंने खासी क्रिएट की है ना उसकी जो ऑल, हाँ अवेयरनेस जो उन्होंने क्रिएट की ना ओवरऑल, ये तो डेफिनेटली एल गोर साहब की फिल्म जो है एंड इनकन्वीनियंट ट्रुथ जिसमें सिर्फ एल गोर ही नहीं बहुत से लोग शामिल थे। बिल्कुल ठीक है मसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और विश यू बेस्ट ऑफ लक जी, थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू मसूद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे न्यूयॉर्क से और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस कराई जाएगी और ग्रीन बिल्डिंग्स होंगी और पूरा जो एक सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे एक दो और टॉपिक्स पर भी, आपकी कॉल्स भी लेंगे, प्लीज सिट आउट, विल बी राइट बैक। ग्रीन टेक्नोलॉजी के हवाले से और साथ साथ आपकी कॉल्स और ईमेल्स का भी सिलसिला जारी है। एक ख़त मैंने आपको सुनाया, दूसरा ख़त मैं आपको सुनाता हूँ, ये जनाब मोहम्मद इकबाल दाऊद साहब हैं, उनको उन्होंने लिखा है, ये भी बिजली के हवाले से है और इसमें खासा लंबा चौड़ा ख़त है। मोहम्मद अहमद अंसारी साहब हैं, पुराना सक्खर से लिख रहे हैं और इसमें उन्होंने कहा है कि आजकल बिजली की किल्लत, बिजली की महंगाई, बिजली का कारोबार पर असरअंदाज होना यानी लोड शेडिंग वगैरह पूरे मुल्क के लिए एक आज़ार है। कोई भी ताजर या सनतकार अपने मुलाजमीन को बोनस इस वक्त देता है जब इदारा बेहतर मुनाफा जाहिर करता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी वापडा अपने तमाम अहलकारों को
यानी जो ऑपरेशंस में हैं, 300 यूनिट से लेकर SDO, XCN और SC वगैरह को 2000 यूनिट्स तक महाना मुफ्त बिजली फराहम करता है। वापडा अपने जनरेशन के अहलकारों को कम से कम 600 से 3000 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली फराहम करता है। यूनिट्स के अलावा वापडा जनरेशन के अहलकारों को जनरेशन अलाउंस जो कि तनख्वाह का 50% है वो भी दिया जाता है। इसके अलावा वापडा अपने अहलकारों को मुजफ्फरगढ़ से ये जो हार्ड अलाउंस भी वो कहते हैं कि वो देते हैं। अच्छा जी, ये बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि वापडा को इतने जो अलाउंसेज हैं और यूनिट्स जो हैं वो किस सिलसिले में दिए जाते हैं। वो कहते हैं कि दूसरे महकमों के BA MA पास जो लड़के हैं उनको 10,000 से ऊपर तनख्वाह नहीं मिलती, जबकि आला ये जो वापडा में है वो 30,000 तक के जो अलाउंसेज हैं वो एक लड़के को मिल रहे हैं इस तरह के। तो वो उन्होंने कहा कि ये डाइकॉटमी नहीं होनी चाहिए, जब मुल्क में इस तरह का बहरान है तो सब लोगों को फेस करना चाहिए और सब लोगों को यकसां कुर्बानी देनी चाहिए। इसमें तो मैं भी एग्री करूंगा कि इवन हैंडेड पॉलिसी होनी चाहिए, और अगर किसी के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है तो मेरा ख्याल है कि वो गलत है। साथ साथ कॉलर्स का भी सिलसिला जारी है और फिर ईमेल्स भी आपको सुनाता हूँ और देखते हैं कि हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? SJ दुरानी एडवोकेटर्स कर रहा हूँ सर, इस्लामाबाद से। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से ये है कि उनको पाकिस्तान का ताहयात बावर्दी सदर होना चाहिए, पूरी कौम उनके साथ है जनाब, और 17वीं तरवीम की 8वीं और 9वीं शिक के मुताबिक वो 2009 दिसंबर तक बावर्दी सदर रहेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट ने उनको एतमाद का वोट दिया है और पूरी 16 करोड़ आबादी उनके साथ है। किसी सियासी पार्टी या जो अदलिया के दौरान को इशू बनाकर या जो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, पूरे पाकिस्तान की वो खुला बिरादरी इनकी भरपूर मुजामत करती है और पूरी कौम जो है वो सदर पाकिस्तान बावर्दी जनरल मुशर्रफ साहब के साथ है सर। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की की अमली जमानत है जनरल मुशर्रफ का एजाज इंसानी का किरदार अदा कर रहे हैं सर। ये मैसेज है वो खुला बिरादरी की तरफ से। चलें दुरानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। प्रेसिडेंट मुशर्रफ के लिए सेकंड कॉल, बड़ी अन्य क्यूबिकल किस्म की सपोर्ट मिल रही है प्रेसिडेंट मुशर्रफ को। और माइंड यू, ये हम लोग इंजीनियर नहीं कर रहे हैं, ये कॉल्स लोग खुद कर रहे हैं और बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन कॉल्स हैं। एक और कॉलर से ज़रा बात करते हैं और देखते हैं कि कौन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से जी? शफात बात कर रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से शफात साहब फरमाएं जी। सर मैं गजलम तासीन से ज़िला बात कर रहने वाला हूँ। अच्छा जी, तो हम चार भाई थे तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया था, मेरे भातीजे की भी डेथ हो गई थी, मैं ट्रूप में था और भातीजे की भी, तो लिहाजा आप मेहरबानी करके कुछ माली सपोर्ट करवाएं हमारी। चलें, ये तो एरा का एक सिलसिला है, एरा वालों को आप कांटेक्ट करें और उन्हें अपना केस बताएं, इंशाल्लाह मामला ठीक होंगे, क्योंकि हमें मालूम है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल एनीवे, मालूम ये है कि एरा का जो एक प्रोसेस है वो खासा शफाफ है और उसमें खासे लोगों की जो इमदाद की गई है उसमें मैं समझता हूँ कि हमें सब पे सबको फ़ख्र भी है और बहुत से लोगों को बहुत जल्दी, हालांकि बाकी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो खुद इसमें परेशान और हैरान थी कि किस तरीके से हमने इसको टैकल किया है, और अल्लाह के फजल करम से और लोगों की दुआओं के साथ हमने जो जलजले वाला एक हादसा हुआ था उसको बड़े अच्छे तरीके से हमने टैकल किया, हमारी कौम को सलूट इस हवाले से। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से जी? मोहम्मद अशरफ रीनाला खुर से बोल रहा हूँ जी। अशरफ साहब रीनाला खुर से फरमाएं जी। किसाना साहब, बात यह है कि अमरीकी वजीर खारजा जो है उन्होंने सदर मुशर्रफ साहब को एक ओहदा छोड़ने का मशवरा दिया है, जो कि खुलम खुला जो है ना ये पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत के बराबर है। तो ये जो है सदर साहब वो खुद जो है उन्होंने खुद फैसला करना है कि मुल्क के हालात को देख कर कि उनके लिए दोनों ओहदे रखने जरूरी है या कि एक ओहदा रखना जरूरी है, ये सदर साहब का अपना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, अपना नहीं फैसला, ये हमारा दाखिली मामला है, ये हमारी कौम का मामला है और इसमें हमें खुद फैसला करना है। आई एग्री विद यू, बाहर के जो आउटसाइड इंटरफेरेंस है वो हम बिल्कुल नहीं लेंगे, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है और मेरा ख्याल है कि दफ्तर खारजा भी इस बारे में वाज़े तौर पर ये कह चुका हुआ है कि हमें लेक्चर सुनने की आदत नहीं है, हम लेक्चर नहीं सुनेंगे। हमारे दाखिली मामलात हैं, अगर ख़राब भी होते हैं तो कोई मसला नहीं है, हम अपने ज़ाती मामलात, दाखिली मामलात खुद हल कर सकते हैं, हमें किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं पंजाबी में कि असी का छज बजाइए छानी बजाइए की गल, तो वो हमें हमारा अपना ज़ाती मसला है, तो इसलिए अशरफ साहब आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह विल नॉट टेक एनी डिक्टेशन। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी नाब, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जी आसिफ नज़ीर बात कर रहा हूँ लाहौर से जी। आसिफ नज़ीर साहब लाहौर से फरमाइएगा जी। मेरा सवाल ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने एक बहुत अच्छा काम तो किया है
कि अपने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये इसकी जो इराक में मुस्लिम उम्मा की फौज भेजी जाए तो वो बेहतर होगा, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन के तहत क्यों, व्हाई नॉट अंडर ओआईसी? ओआईसी का ही उन्होंने कहा था कि ओआईसी की एक फोर्स बनाते हैं और वो फोर्स जो है वो जाके वहाँ पे टेक ओवर करे, लेकिन उन्होंने अंडर यूएन, जाहिर है कि हम एक कोई मुल्क या एक ऑर्गेनाइजेशन जाके नहीं कर सकती है, वो अंडर यूएन ऑस्पिसिस करना पड़ता है क्योंकि दुनिया के कुछ असूल हैं उसके मुताबिक, लेकिन एक अच्छा आइडिया था जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया, इस पर हम अभी बात थोड़ी देर तक करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल एनी वे, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर अब एक दो ई मेल्स भी आपको सुनाता चलता हूँ, और ये रिजवान इलाही साहब ने कैलिफोर्निया से लिखा है कि दीज बॉम्ब ब्लास्ट इन आवर कंट्री आर वेरी पेनफुल painful to watch. I ask Pakistani people to work as human intelligence and report any abnormal activity to PTV. Every Pakistani must keep their eyes and ears open. If you love Pakistan, try to catch these terrorists by keeping your eyes on your next door neighbors. And I ask PTV and other TV channels to rotate messages in live broadcast asking Pakistani citizens to beware of abnormal activities in your neighborhood. Kasana sir, please translate in Urdu as well. चलें कर देते हैं जनाब। बेसिकली ये कह रहे हैं कि रिजवान इलाही साहब के एक जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो बड़ी ज़रूरी होती है, और ये अमेरिका में भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू किया गया था 9/11 के बाद, कि लोगों से कहा गया था कि आप एक दूसरे का खुद देखें कि कोई कहाँ पे कोई अगर मशकूक एक्टिविटी हो रही है तो उसको रिपोर्ट किया जाए। इट्स अ गुड आइडिया। कॉलर्स का भी सिलसिला जारी है, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब अली कौन साहब और कहाँ से? जिला बहावलनगर तहसील अरुणाबाद से जी। हाफिज गुलाम अब्बास। हाफिज गुलाम अब्बास साहब फरमाइएगा जी। जनाब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि परवेज मुशर्रफ साहब को 7 साल हुए इख्तदार में आए हुए जी, और इन्होंने मुसलसल बार बार वादा किया कि हम डैम बनाएंगे और मुल्क को इस पानी के बहरान से निकालेंगे, और आज जो बिजली और पानी का बहरान आया हुआ है इसका क्यों नहीं ये हल करते? चले थैंक यू वेरी मच। 2016 तक का जो प्लान है उसमें तमाम मेजर डैम्स बनाने का वादा किया है प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने, और अभी उसमें टाइम है, लेकिन मैं एग्री इसलिए करता हूं आपसे किसी हद तक कि अभी तक हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए था, और लोड शेडिंग के हवाले से हमें कुछ मामलात जो हैं वो ऐसे कर लेने चाहिए थे 7-8 साल में, कि जहाँ पर हम कम अज़ कम बेसिक ग्राउंड वर्क जो है वो हमारा मुकम्मल हो चुका हुआ होता। तो अल्लाह करे कि ये जो हमारा विजन है प्रेसिडेंट का वो पूरा हो और मुल्क में जो आबी मामलात हैं वो दुरुस्त हो सकें। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब और कहां से? मैं अकबर बात कर रहा हूं दुबई से। अकबर साहब दुबई से जी, फरमाइएगा। हां जी फरमाएं। मैं जिला बुनेर का रहने वाला हूं, सवाद बुनेर का। जिला बुनेर जी, फरमाइएगा। हां जी, मैं खुद दुबई में रहता हूं, हमारे जो रोड है, हमारे जो इलाके का जो रोड है वो 5 साल से वो लोग काम कर रहे हैं उस पे, काम की तरह वो जो पहला रोड था उस पे तो कम से कम गुजारा होता था, वो रोड वो लोग निकाल चुके हैं, इसका जड़ निकाल चुके हैं। अभी वो रोड का पता नहीं कि 5 साल हो गया, 5 साल में वो रोड नहीं बन गया। अब पाकिस्तान में कितना तेजी से काम हो रहा है, कराची में, लाहौर में, किधर ग्वादर में, लेकिन हमारा एक रोड है वो 15 किलोमीटर का रोड है वो अभी तक नहीं बन गया। ये किस 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 शहर को कनेक्ट करता है रोड? ये जो है सवात और बुनेर, सवात और बुनेर के दरमियान अंदर रोड है जो डगर से जाता है, हमारा जो इलाका है पीर बाबा। ठीक है, सवात और बुनेर को ये कनेक्ट करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। ये रोड्स की सिचुएशन जो है वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जनाब बाकी बड़े शहरों में जब इतना बड़ा काम हो रहा है तो हमारे इलाकों में भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और सड़कों की हालत जो है उसको बेहतर बनाना चाहिए। मैं कल गुजरात गया हुआ था तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि रास्ते में खासी सड़कें जो हैं वो थोड़ी सी वहाँ पे भी ज़रा सिचुएशन ठीक नहीं थी, और मैंने देखा कि वहाँ पे ख़ासतौर पे जो जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उनकी हालत ज़रा ठीक नहीं है। इसी तरह जो मेन रोड्स हैं, मैं जब वापस आ रहा था तो गुजर खान के जो सड़क है उसके ऊपर मैंने देखा कि दरमियान एंड सड़क के दरमियान में वो सड़क उठी हुई है, और वो जैसे बड़े बड़े वो हम्प से बने हुए होते हैं। अब वो खुदा ना खासा अगर कोई बस या कोई गाड़ी उसके ऊपर साथ लगे तो वो खासा एक्सीडेंट, बहुत बड़ा एक्सीडेंट खुदा ना खासा हो सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मेरा ख्याल है कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं इसमें देखें, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली जाके सड़क के ऊपर खड़े होकर सड़क नहीं बनवा सकते हैं। हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी जो है वो बेहतर अंदाज से अदा करने की ज़रूरत है, और वो मैं अक्सर देखता हूँ कि वो अक्सर
औकात नहीं करते। मैंने पिछले दिनों आपको बताया कि एक हफ्ता हम लोग यहाँ पे कोशिश करते रहे कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो कम अज़ कम सारा दिन ना जलें, तो वो बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर असर हुआ और उन्होंने किया। अब एक और टॉपिक हम डिस्कस करते हैं और बात करते हैं वही जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे मुस्लिम मानिक की अमन फौज के हवाले से, और इसमें हम चल देंगे कराची, और कराची में बात करते हैं नजमुद्दीन शेख साहब के साथ और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। शेख साहब सलाम अलैकुम जी। शेख साहब, ये जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने एक आइडिया दिया था पीस कीपिंग फोर्स ओआईसी की तरफ से बनाई जाए और उसको इराक में भेजा जाए और वहाँ पे हालात जो हैं वो कंट्रोल किए जाएं, तो इसको होशियार जुबैरी साहब ने और बाकी लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है। क्या ही अच्छा होता कि अमेरिकन फ़ौज निकल जाती और एक मुस्लिम ममालिक की फ़ौज जो है वो जहाँ के वहाँ पर टेक ओवर करती और हालात को मामूल के मुताबिक लेके आने में अपना एक रोल प्ले करती, तो ये आइडिया भी बताइएगा कि कैसा था और उसको रिजेक्ट करना उनका जो है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, ये इस हद तक तो सही है कि अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो एक हद तक एक मड्डा पीस बनी हुई हैं इंसर्जेंसी के लिए, और जो फिरकावराना जंग को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये मग्नातीस के काम कर रही हैं। और अमरीकी ट्रूप्स की वजह से बहुत सारे इराकी कहते हैं कि हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी फैली है और चीज़ें हुई हैं वो उनकी मौजूदगी की वजह से हुई हैं। लेकिन अगर आप और इनकी जगह किसी और को जाना जरूरी है, लेकिन अगर आपने उसको इस्लामिक फोर्स किया तो उसमें तो ये वाजे है कि जो फिरकावराना जंग वहाँ पे छिड़ी हुई है उसमें वो मुलविस हो जाएंगे, और अगर वो मुलविस हुए तो फिर इराक में अमन की बजाय ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कोई चारा नहीं रहेगा अलावा इराक के तकसीम के। तो इस्लामी फोर्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का तो मुझे कोई मुझे लगता है कि ये गैर मुनासिब होगा। ये कि अगर अक्वामे मुत्तहदा की तरफ से और ट्रूप्स हों जिनकी तरफ इराकियों की इतनी ऑपोजिशन ना हो जिस हद तक ऑपोजिशन है अमेरिकन्स के साथ, लेकिन मुसलमान फोर्स नहीं हो सकती क्योंकि मुसलमान फोर्स किसी न किसी तरह इस फिरकावराना जंग में मुलविस हो जाएंगे। तो इसमें अब जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, उधर से इलेक्शंस आ रहे हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अमेरिका में, डेमोक्रेट्स का भी प्रेशर है प्रेसिडेंट बुश के ऊपर, तो अब क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, क्या कोई एग्जिट है अमेरिकन्स के लिए वहां से? देखिए, अभी एक अहम चीज जो हुई है वो ये कि ईरान और अमेरिका का समझौता हुआ है कि वो जून के पहले हफ्ते में मुलाकात करेंगे इराक पे बातचीत करने के लिए। ईरान की तरफ से तो ये है कि हम न सिर्फ इराक की बात करेंगे लेकिन और चीजों की भी बात करेंगे, वो उनके मुबसरीन कह रहे हैं। ऑफिशियली अभी तक कोई इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन अगर ईरान के साथ ये बातचीत होती है तो ईरान अपना असर इस्तेमाल कर सकता है और कुछ इम्कान बढ़ते हैं कि इराक में अमन हो। लेकिन मुझे डर ये है कि अभी हालात जो इराक में पैदा हो गए हैं उसमें अब ईरान की मुदाखलत या अमेरिका की तरफ से नया कोई सियासी अमल इसको हल करने में कोई खास रोल किरदार अदा नहीं कर सकेगा। मसला फिर उसी चीज पे आता है कि इराकियों को खुद फैसला करना है कि अपने आईन को बदलें, अपने तेल का जो कानून है उसको बदलें, और सुनियों को एक एतमाद दिलवाएं कि वो डीबासिफिकेशन की वजह से उनको नौकरी सबको नौकरियों से बरतरफ नहीं रखा जाएगा और जो तेल की रेवेन्यूज हैं उसमें उनका मुनासिब हिस्सा होगा। लेकिन ये क्या आप समझते नहीं है शेख साहब कि ये तब तक नहीं हो सकेगा जब तक कि अमेरिकन फौजी वहाँ पे मौजूद हैं और अमेरिका की हर लेवल के ऊपर इंटरफेरेंस मौजूद है? देखिए, ये अभी तक जो इंटरफेरेंस उनकी है वो तो अच्छी इंटरफेरेंस है इस हिसाब से कि वो चाह रहे हैं कि इस किस्म की के तरमीम आए, आइन में तरमीम आए, कानून में तरमीम आए, और इसके बगैर वो सुन्नी तो कहते हैं, बहुत सारे सुन्नी लेजिस्लेटर्स जो है वो कहते हैं कि अगर अमरीकी निकल जाएंगे तो हम एक इराकी हल ढूंढ सकेंगे, लेकिन उसमें खदशा ये है कि हल ढूंढने के बजाय ये खाना जंगी जो वहाँ पे लगी हुई है और जोर पकड़ेगी। तो इसमें जो डेमोक्रेट्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू है आप समझते हैं कि उसमें वजन नहीं है?
वो तो कहते हैं कि हमसे ये हल होगा नहीं और इसकी वजह से हमें निकल जाना चाहिए, हमें और नुकसान बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। शायद वो ये भी समझते हो कि हम अपनी जब नई टर्म प्रेसिडेंशियल टर्म आए और उसमें डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट अगर इलेक्ट हो जाता है तो वो समझ रहे होंगे कि उससे पहले पहले हम इससे जान छुड़ा लें ताकि अगली प्रेसिडेंसी कम से कम इसमें जो है वो हो। देखिए डेमोक्रेट्स का कहना ये है कि हमारी वहां पे शिकस्त हो चुकी है, हमें जो जाने गंवानी थी वो हम गंवा चुके हैं, अब और जाने गंवाने के बाद हमें कोई इसमें हल मिलने की कोई इम्कान नहीं है और उसकी वजह से जो कहते हैं ना कट योर लॉसेज एंड गेट आउट, ये है डेमोक्रेट्स की फिलॉसफी कि अगर और उसको डिस्गाइज इस तरह किया गया है कि आप उनके लिए बेंचमार्क्स रखें इराकी हुकूमत के लिए कि फला फला चीजें अगर आप करें तो ट्रूप्स रहेंगी, अगर फला फला चीजें आप नहीं करेंगी तो ट्रूप्स निकल जाएंगी। लेकिन ये इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि उनको यकीन है कि इराकी हुकूमत इस किस्म की चीज करने के लिए तैयार नहीं है या इस किस्म की चीज करने की सलाहियत नहीं रखती। तो इसमें कोई सऊदी अरब का भी रोल है खासतौर पर कि अमेरिकन निकले? सऊदी अरब का जरूर है, सऊदी अरब सुन्नियों की तरफ से कहती है कि हमें गवर्नमेंट में अभी कोई एतमाद नहीं है क्योंकि वो जो चीजें उसको करनी है सुन्नियों के साथ सुलह के लिए वो चीजें वो करने को तैयार नहीं है और वो पूरी शिया हुकूमत बनाना चाहते हैं। ये सऊदियों का ख्याल है कि शिया हुकूमत बनाना चाहते हैं जो कि ईरान के असर के नीचे होगी। तो अब उनका जो उनकी जो कोशिशें थी कि मालिकी के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं और उसमें कुछ मदद करें वो अब मिट चुका है और अब उनकी जो एटीट्यूड है वो ज्यादा सख्त हो चुके हैं। और डिक चेनी साहब का जो दौरा था उसमें आप समझते हैं कोई कनेक्शन था इसका सऊदी अरब के साथ? कनेक्शन था लेकिन मुझे लगता है कि अब्दुल्ला किंग अब्दुल्ला ने उनको कोई इस पे एतमाद की बात नहीं की है और उनका अभी भी रवैया मलिकी की तरफ उसी नौयत का है जिसका वो इजहार कर चुके हैं कि उनमें हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो चीजें करेंगे जिनकी जरूरत है। बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब, बहुत खूबसूरत आपने इनपुट दी और इनसाइट ऐसी थी कि जिसके मैं चाह रहा था कि लोगों को पता चल जाए कि हालात कैसे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। नजमुद्दीन शेख साहब फॉर्मर सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और कॉलर्स का सिलसिला भी जारी है। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है और क्या कहना चाहते हैं क्योंकि मेरे पास कुछ ई मेल्स भी हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको भी ज़रा ऐड कर लिया जाए प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से जनाब? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा? जी सना साहब, मैं शहजाद बोल रहा हूँ गुजर खान से। कहाँ से जी? गुजर खान से। गुजर खान से हमारा तल्लक है जी, फरमाइएगा जी। और हमारे गांव में जो है ना सड़क भी नहीं है और बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे गांव में। ये कौन सा गांव है आपका? जी बैगान गाँव है। बैगान जी जी, तो ये हमारे यहाँ कोई सहूलत नहीं है। तो हमारे जो है ना तफी नाजम चौधरी अजीम साहब जी, वो कहते हैं कि आपका गांव जो है ना ये इसके इसमें घर जो है ना बहुत कम है। क्या कम है, लोग कम है? जी हमारे तकरीबन जॉइंट फैमिली है, तकरीबन 20 घर है, तो कोई भी सहूलत नहीं है हमारे यहाँ। चलें, थैंक यू वेरी मच। आपके जो नाजिम साहब हैं, अब क्या किया जाए? अब ये उनका जो काम है उनको करना चाहिए और इस वजह से सड़क देना के लोग कम है और ना देना, ये मेरा ख्याल है कि डिसीजन कोई ठीक नहीं है। हमारी जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए नो मैटर व्हाट। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन है हमारे साथ और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से जनाब? जी मैं अटक से कॉल कर रहा हूँ, अमजद सदीकी। अटक स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक। अटक सर, मेरा ये था कि मुशर्रफ साहब की पॉलिसीज अच्छी हैं लेकिन असल में बात यह है कि उन्होंने हमारे हल्के लाइन ड्रॉप हुई है और अब दोबारा ट्राई करेंगे तो दोबारा ऐड करने की कोशिश करेंगे। ख़त जो है एक और भी है, वो भी आपके सामने पेश करते हैं। मोहतरम इसरार अहमद कसाना साहब, हम सब खैरियत से हैं, इंशाल्लाह आप भी अच्छे होंगे, अल्लाह का शुक्र है जी। आपका प्रोग्राम साल पूरा होने पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, ये प्रोग्राम बहुत मालूमती है इसलिए हम इसको बहुत पसंद करते हैं। खुदा करे कि ये दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे, आमीन। इसके बाद मैं आपको एक दर्दमंदाना गुजारिश करना चाहता हूँ। मुअल्लिम हैं आप इस्लामियात के, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ और लेकिन बदकिस्मती से बीमार हुआ तो मैंने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन मेरा 15 महीने पूरा होने पे मुझे ना तो पेंशन, ना ग्रेजुटी, ना फंड, कुछ भी नहीं मिला।
तो इसमें वो कह रहे हैं कि जी आप इसमें अपना रोल प्ले कर सकें तो करें। पेशावर सुबह सरहद से आपने हमें लिखा है, गुल हवस मोजा कंडाओ, ये आपने लिखा है जनाब। इसमें मैं तो गुजारिश यही कर सकता हूँ कि ये जो पेंशन आपको मिलनी चाहिए और जो डिज़र्व करते हैं आपको ज़रूर मिलना चाहिए। एक सईद कोका साहब ने लिखा है जी कि मैं रिस्पेक्टेबल बाबर अवान साहब, ये जो पिछले दिनों में बाबर अवान साहब तशरीफ लाए थे हमारे प्रोग्राम के बारे में, उन्होंने जो बातें की थी इस हवाले से है कि मिस्टर बाबर अवान इज़ ट्राइंग टू डाइवर्ट टुडेज़ टॉपिक टू सम अदर डायरेक्शंस, ही शुड कम टू द पॉइंट, व्हाट वाज़ द कंडीशन ऑफ लोड शेडिंग, डियरनेस, डर्थ, फेवरेटिज्म, टग ऑफ वॉर बिटवीन पीएम बेनजीर एंड नवाज शरीफ, ही मस्ट ऑल्सो रिमेंबर पीएनए, निज़ाम मुस्तफ़ा, आईजीआई, एमआरडी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने उनके हवाले से लिखी हैं। और एक और ईमेल है रफ़ीक अहमद भट्टी साहब यूएसए से, सिल्वेनिया ओहायो से लिख रहे हैं, माय डियर स्टार किसाना, अस्सलाम वालेकुम, यू हैव आस्क्ड मिस्टर शहबाज द फेडरल मिनिस्टर फॉर पॉपुलेशन द क्वेश्चंस व्हिच एवरी पाकिस्तानी वांट्स टू फाइंड सूटेबल आंसर फॉर, यू हैव ट्रांसलेटेड द माइंड ऑफ एवरी पाकिस्तानी, यू आर डूइंग अ कमेंडेबल टास्क व्हाइल सिटिंग इन द कॉरिडोर्स ऑफ ऑफिशियल मीडिया, यू डिजर्व हाई अप्रिसिएशन फॉर रिप्रेजेंटिंग द पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज कैरी ऑन योर सेक्रेट ड्यूटी विद द सेम स्पिरिट एंड डेडिकेशन, थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई एम सॉरी टू से दैट मिस्टर शहबाज हैज़ फेल्ड टू गिव यू द सेटिसफैक्ट्री रिप्लाई, ये आपने उनके बारे में लिखा, आई रियली वेप्ट ओवर दिस हाईली इंडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस मोस्ट पैथेटिक कंडीशन प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान, द इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान कराची, ये भी आपने लिखा है, खासी लंबी ईमेल है, आई वुड सजेस्ट दैट ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल रैलीज, प्रोसेशंस, कॉर्नर मीटिंग्स एट्सेट्रा शुड बी टोटली बैंड, ये उन्होंने तजवीज़ दी है और डिटेल में खासी एक ईमेल लिखी है। आपके जज्बात का शुक्रिया, मेरे बारे में आपने जो कहा उसका भी शुक्रिया, और जो पाकिस्तान के बारे में आपने लिखा उस पर सब लोगों को कंसर्न है, और आपने देखा कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों ने इसके बारे में एक्सप्रेस किया है अपना कंसर्न, और लोगों ने भी इस हवाले से खासा एक दुख का इजहार किया है। अल्लाह करे कि हमारे जो मामलात और हालात हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हों। जावेद रफ़ीक साहब ने लिखा है, ओपोजिशन पार्टीज़ एंड पीपल्स पार्टी, द नवाज लीग एंड द जमात इस्लामी आर द थ्री मेन पार्टीज़ दैट हैव बीन एजिटेटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वट एवर दे मे बी, एट द सेम टाइम कॉलिंग फॉर विदड्रॉल ऑफ द रेफरेंस अगेंस्ट द सीजेपी रादर दैन at letting the Supreme Court decide on its veracity or otherwise, ये उन्होंने बात लिखी है कि जो कोर्ट्स हैं उनको अपना काम करने देना चाहिए, खासी डिटेल्ड ईमेल, लेकिन आखिर में वो लिखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट द लीडर्स ऑफ द पीपल्स पार्टी द नवाज लीग एंड अदर पार्टीज इन द सो कॉल्ड अनरियलिस्टिक ऑब्जर्वर्स एंड मीडिया मैन ऑब्वियसली मिस द पर्क दे एन्जॉयड इन द गवर्नमेंट एंड दस दे कैन नॉट डू विदाउट देयर करप्ट लीडर्स, ये उनकी अपनी ओपिनियन है। उन्होंने कहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से खासी ईमेल्स मुझे आती हैं जिसमें वो मायूसी का इजहार करते हैं। वारिस भट्टी साहब इस्लामाबाद से लिखते हैं कि डियर किसान साहब अस्सलाम वालेकुम, आई वॉच योर प्रोग्राम ऑन 14 मई विच वाज अबाउट क्राइसिस इन कराची, बिलीव मी यू वर द फर्स्ट पर्सन ऑन पीटीवी हु वाज डिस्क्राइबिंग फैक्ट्स विदाउट एनी फियर एंड प्रेशर सिंस 12 मई इन एनी प्रोग्राम ऑफ पीटीवी वर्ल्ड, ट्राई टू बी इम्पार्शियल इन एनी सिचुएशन, मे गॉड ब्लेस यू, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई टू बी इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव एज वेल इंशाल्लाह, और इसमें दुआ आपकी मुझे ज़रूरत होगी, अल्लाह ताला तौफीक देता है और इस तरह के काम होते हैं। वैसे ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि पीटीवी के बारे में लोगों की एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़रा ज़्यादा ही नेगेटिव होती हैं, पीटीवी में हम इस तरह की बात रहते हुए कर रहे हैं और आई एम अ पार्ट ऑफ पीटीवी आल्सो, लिहाजा ये कहना कि पीटीवी में बिल्कुल इस तरह की बात नहीं हो सकती है ये गलत है, हम पीटीवी पे रहते हुए ही ये बातें कर रहे हैं और समझते हैं कि जो हमें आज़ादी दी गई है उसका इस्तेमाल ज़िम्मेदारी के साथ किया जाए, ताकि एक तो यह कि दोनों चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुँचें, दोनों व्यूज़ जो हैं वो आप तक पहुँचें, ऑब्जेक्टिविटी के साथ पहुँचें, और ये जो अमानत होती है वो हम उसमें अपना जो रोल प्ले कर सकें वो उसमें ख़यानत ना हो। तो इस हवाले से अगर आप इसको पसंद करते हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। एक और कॉल नहीं बल्कि ई मेल है, लिखते हैं कि द फॉलोइंग नीड्स केयरफुल कंसिडरेशन, ये जावेद साहब ने लिखा है, कहते हैं कि अपोजिशन पार्टीज़ आर ब्लेमिंग MQM फॉर प्लानिंग द किलिंग इन एडवांस, इफ़ इट वर ट्रू देन वुड द MQM हैव लॉस्ट 13 ऑफ इट्स ओन वर्कर्स, दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट मस्ट बी आंसर्ड बाय द एक्यूजर्स, मोर ओवर द नंबर्स ऑफ वर्कर्स किल्ड इन द हाईएस्ट, ये मे के बारे में वो लिख रहे हैं कि जो वाकया हुआ था कराची में, लंबी ईमेल है, आफ्टर ऑल डॉक्टर फारूक सत्तार अ लीडर ऑफ MQM इज़ ऑन रिकॉर्ड सेवरल टाइम्स एज सेइंग दैट ही सपोर्ट्स एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू द इंसिडेंट्स ऑफ द किलिंग
आखिर में वो लिखते हैं, देन द अपोजिशन लीडर्स अक्यूज प्रेसिडेंट मुशर्रफ ऑफ प्लानिंग द कार्नेज अलोंग विद द एमक्यूएम, कैन देयर बी एनीथिंग मोर प्रीपोस्टरस देन दैट? द फैक्ट इज दैट द पेशावर ब्लास्ट टुडे मस्ट ओपन एवरीवनस आईज एंड दे मस्ट रियलाइज दैट द मुल्लास और द मिसलेड रिलीजियस फनेटिक्स आर आउट टू टर्न पाकिस्तान इनटू एन ऑब्सक्यूरेंटिस्ट नेशन एज इन द डेज ऑफ जहिलिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम. अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, और अल्लाह ना करे कि अगर किसी की साजिश है तो वो कामयाब हो सके. ये था आज का प्रोग्राम नाज़रीन. हमने कोशिश की कि जितने भी ईमेल्स ऐड कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम में वो करते चले जाएं, और कोशिश ये होती है कि जितनी भी ईमेल्स आती हैं उनमें सबको तो हम शामिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक लिमिटेशन होती है प्रोग्राम की. लेकिन बहरहाल कोशिश ये करते हैं कि कुछ ना कुछ ईमेल्स हैं वो आपको एक फ्लेवर देते जाएँ कि आप लोगों की जो ओपिनियन है वो हमारे लिए कितनी रिस्पेक्टेबल होती है और हम उसको शामिल करना चाहते हैं. यहाँ पे अब प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं नाज़रीन, और इसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह भी हो सकता है आखिर में आप हमें कोशिश किया करें कि जब भी ईमेल्स करते हैं ज़रा ब्रीफ़ रखें ताकि आपका जो मैसेज है वो आगे जा सके. आखिर में दुआ, और दुआ यही कि या बारी ताला, मैं मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है. तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है. सपुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम वेशरा. मुझे इसरा किसाना को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.